हाँ सक्सेना जी। हाँ ये मैं हिसाब देख रहा था यार, अपनी 5 करोड़ का घाटा आ रहा है। आओ ना पापा, कब से तुम्हारे। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, मेरी बेटी आई है। अंकल जी नमस्ते। बैठो पापा। ये मजनू। जुगनू अंकल जी, मेरा नाम जुगनू है। इनका पूरा नाम जोगिंदर है। एक ये जुगनू, एक थारा भाई जोगिंदर, दोनों ही ऐसे। क्या मतलब? मतलब दोनों ही बेमतलब हैं इस दुनिया में। की बेइज्जती कर रहे हो इनडायरेक्टली। बेटा मैं इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली बेइज्जती करता हूँ। अच्छा तो उनका फिर मैं चलता हूँ। निकल पापा। अच्छा बैठो बेटा, अभी बातें करनी है अपन। अच्छा ये बताओ कितना कमा लेते हो? पापा ये बहुत अच्छी जॉब करते हैं। मैं बताऊं? जितना आपकी बेटी एक महीने में उड़ाती है, एक हफ्ते में मेरी स्प्लेंडर उतना तेल खाती है। तेल? जितने की तेरी स्प्लेंडर नहीं है, उतना मेरी बेटी का एक महीने का खर्चा है। Oh no! अंकल जी, मैं महीने का 15,000 कमाता हूँ। 15,000। अच्छा बेटी। हाँ पापा। तुम्हारे हर महीने पार्लर का खर्चा कितना आता है? पापा इस महीने का तो 35,000 रुपए आया था। पर छोड़ो ना ये पैसे की बातें, आपने जुगनू से तो चाय पानी कभी नहीं पूछा। एक भी बात। क्या पियोगे? अंकल जी विस्की चलेगी। मैं चाय कॉफी की बात कर रहा हूँ। मैं चाय लेकर आती हूँ। अनुष्का चलो मुद्दे की बात पर आते हैं। अंकल दहेज लोगे? अंकल जी है घर, है पैसा, है गाड़ी, अब दो जोड़ों में लड़की भेजो। लड़की हुई हमारी। कौन सी गाड़ी? अरे अभी तो बताई थी, स्प्लेंडर। और वैसे भी अंकल जी मैं ये दहेज वहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। चलो शक्ल सूरत तो अच्छी नहीं है, सोच तो अच्छी है। और वैसे भी अंकल जी अब इसका कोई भाई या बहन तो है नहीं, जो कुछ भी है आपका हमारा ही तो है।